एवरीवन, आज हम बनाएंगे झाग वाली काफ़ी। ये काफ़ी झटपट बन जाता है, पीने में बहुत लाजवाब होता है। बहुत देर तक इसको नहीं मेहनत करना है कि फेंटना है, झटपट फेंटकर इसे हम तैयार करेंगे। घंटों घंटों लोग फेंटते रहते हैं तब जाके काफ़ी तैयार होता है झाग वाला। तो आइए देखते हैं झटपट काफ़ी झाग वाला कैसे बनता है। 250 ग्राम दूध एक पैन में डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम चालू कर दे रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर दूध को उबलने का इंतज़ार करेंगे। बहुत देर तक दूध को नहीं उबालना है, थोड़ी ही देर में देखिए दूध उबलने लगा है। जब दूध उबलने लगा तो 2-3 मिनट तक और पका लेंगे। अब गैस को बंद कर देते हैं। 2 चम्मच चीनी एक गिलास में डाल देते हैं। 2 चम्मच कॉफ़ी भी डाल दिए। अब खोलते हुए दूध को हम इसमें डाल देंगे। दूध को ठंडा नहीं करना है, बस गैस को बंद करें और दूध को डाल दिए। अब काटा चम्मच ले लीजिए या तो फिर मिक्सर ले लीजिए। इसको बराबर हाथों से जल्दी जल्दी चलाते रहिए। ध्यान रखिए कि दूध ठंडा ना होने पाए और फटाफट इस तरह से फेंट लीजिए, जिससे कि अच्छे से कॉफ़ी में झाग बनने लगेगा और झाग वाला काफ़ी बनकर तैयार हो जाएगा। कभी होता है कि जल्दी झाग नहीं बनता, काफ़ी पीने का मन है, झाग बनाने के चक्कर में काफ़ी पीने का मूड भी हट जाता है और मन भी हट जाता है कि ये तो झाग बन ही नहीं रहा है तो हम इसको कैसे क्या करें। लेकिन इस तरह से आप फेंटेंगे, बराबर हाथ चलाते हुए मिक्सर से फेंटेंगे और कोई गिलास यानी गहरा बर्तन में लेके, तो ये जल्दी ठंडा भी नहीं होगा और फटाफट झाग बनने लगेगा। देखिए कुछ ही सेकेंड में झाग बनने लगा है। बहुत मेहनत भी नहीं लेता है, बहुत झंझट भी नहीं लगता है। आप बात भी करते रहिए बच्चों से तो भी 2 मिनट में झाग बनने लगता है और काफ़ी बनकर तैयार हो जाता है पीने के लिए। बच्चों को पिलाएंगे गर्मा गर्म काफ़ी, बड़ों को पिलाएंगे, जो पिएगा वो खुश हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से झाग बन चुका है और ये काफ़ी पीने के लिए रेडी है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मन खुश कर देने वाला कॉफ़ी हमारा तैयार है। थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर इस पर आप स्प्रिंकल कर दीजिए। इस तरह से टेस्टी झाग वाली काफ़ी एक बार आप भी बनाइए, पीजिए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।